दोस्तों आज हम पढ़ने वाले अध्याय दो बिलियन लेक्चर नंबर टू है। इसके पहले लेक्चर नंबर वन अपलोड कर दिया गया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बिलियन के प्रकार, भौतिक अवस्था के आधार पर और सांद्रता के आधार पर। दोस्तों मैं हूँ आकाश और आप देख रहे हैं आकाश लेक्चर ऑनलाइन। अगर तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर जरूर कर दो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिलियन के प्रकार, विलेय व विलाय की भौतिक अवस्था के आधार पर। जो विलेय है और विलायक है उसकी जो भौतिक अवस्था है उसके आधार पर विलेय नौ प्रकार के होते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको एक सारणी दिख रही है, उसमें चार कॉलम है। पहले में लिखा हुआ है क्रम संख्या, फिर लिखा हुआ है विलेय, फिर विलायक, फिर उदाहरण। अब देखिए, अगर विलेय क्या है, गैस है। अगर विलेय गैस है और विलायक भी गैस है तो इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा हवा। दोस्तों जो हवा होती है अपनी चारों ओर, उसमें ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, बहुत सारी गैसें हवा में क्या होती हैं, घुली हुई होती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने इसका एग्जांपल लिया हवा। इसके बाद है, अगर विलेय क्या है, फिर से गैस है, और विलायक क्या है, द्रव। तो इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूँ, जो सोडा वाटर होता है, सोडा वाटर में CO2 घुली हुई होती है, ठीक है। CO2 जो होती है वो घुली हुई होती है, तो इसका एक एग्जांपल हो जाएगा सोडा वाटर में CO2 गैस। इसके बाद है, फिर से अगर विलेय क्या है, गैस, और विलाय क्या है, ठोस। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारी ऐसी धातुएं हैं जो गैसों को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, सोख लेती हैं। जैसे जो प्लेडियम और प्लेटियम होता है वो हाइड्रोजन गैस को सोख लेता है। मतलब विलेय क्या है, गैस, और विलायक क्या है, विलायक है यहाँ पे धातु, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, प्लेडियम, प्लेडियम में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट द्रव का गैस में, तो द्रव का गैस क्या हो जाएगा, कोहरा। जो कोहरा है, कोहरा में छोटी छोटी बूंदें पानी की होती, आपने ऐसा देखा होगा। इसके बाद है द्रव में, द्रव का द्रव में, तो ये सबको पता होगा, जो एल्कोहल है, एल्कोहल को किसमें मिला दो, वाटर में, ठीक है। इसके बाद है द्रव का ठोस में, तो जो अमलगम होती है उसमें मर्क्यूरी होता है, ठीक है। इसके बाद है ठोस का गैस में, तो ठोस का गैस में क्या हो जाएगा, धुआं। मैं आपको बता दूं, जो धुआं अपनी आंखों को लगता है, धुएं में कार्बन के कण होते हैं, और जो कार्बन की कण है वो ठोस अवस्था में होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, ठोस, ठोस का द्रव में, तो ठोस का द्रव में, ठोस आपके पास शक्कर है और द्रव क्या है, पानी है। फिर है ठोस का ठोस में, तो ठोस का ठोस में क्या हो जाएगा, मिश्र धातुएं, ठीक है, कंफर्म है ना। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। पहला विलयन, तनु विलयन। तनु विलयन, तनु का मतलब होता है पानी मिलाना, तनु का मतलब क्या होता है, पानी मिलाना। अब आप जानते हैं जो विलयन होता है, विलयन में दो घटक होते हैं, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। अब मान के चलो विलेय और विलायक है, आपने उसको मिक्स कर दिया, तो क्या बन गया आपके पास, विलयन बन गया। लेकिन अगर आप उसमें पानी डाल दोगे थोड़ा सा, ठीक है, तनु मतलब होता है पानी मिलाना, क्या करना, पानी मिलाना। देखो यहाँ पे लिखा है कि विलयन जिसमें विलायक की मात्रा की तुलना में विलेय की कम मात्रा घुली हो, तनु विलयन कहलाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जस्ट देखिए। सबसे पहले सांद्र विलयन पढ़ लीजिएगा, सांद्र विलयन का मतलब होता है ओरिजिनल, क्या होता है, ओरिजिनल। अब मैं आपको बताऊं, जो आप दूध लेने जाते हैं, अगर दूध में पानी मिला रहता है तो दूध कैसा रहता है, पतला रहता है, तो हम कह सकते हैं वो तनु है, ठीक है। कहने का मतलब, तनु विलयन का मतलब होता है कि जो विलेय की मात्रा है, विलेय की मात्रा क्या है, कम है, ठीक है। और सांद्र विलयन का मतलब होता है ओरिजिनल, जो है सो है, उसमें जो विलेय की क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद है असंतप्त विलयन। असंतप्त विलयन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान के चलो आपको बहुत जम से भूख लगी हुई है और आप घर पे गए, ठीक है, तो आपने देखा कि घर पे करेले की सब्जी बनी हुई है, और मैं जानता हूँ कि आपको करेला पसंद नहीं है, तो आप क्या करोगे, खाना खाओगे लेकिन आप भर पेट खाना नहीं खा पाओगे, ऐसा नो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक निश्चित ताप पर, यहाँ पे लिखा है एक निश्चित ताप पर यदि किसी विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा घोला जा सके, अर्थात जब किसी विलयन में इतना सामर्थ्य हो कि वह विलेय को घोलने की क्षमता रखे, तो ऐसे विलयन को असंतप्त विलयन कहते हैं। जे भैया जा कह रहे हैं कि और अधिक घोला जा सके,
हमने भी आपको वही बताई है कि आपने खाना तो खा लिया है लेकिन आपने भरपेट खाना नहीं खाया है। अगर आप कोई ऑफर करे कि भैया गुलाब जामुन है तो आप क्या करोगे, खा लोगे ना। ठीक है यार, रोटी ही ऑफर करे, कुछ सब्जी और देगा तो आप उसको खा लोगे। मतलब आप क्या हो, अभी भूखे हो, ठीक है, तो आप क्या हो, असंतप्त हो। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है देख लेते हैं संतप्त विलयन। संतप्त विलयन में क्या होता है कि जो विलेय की ग्राम में अधिकतम मात्रा, विलेय की ग्राम में अधिकतम मात्रा, यहाँ पर लिखा है जो एक निश्चित ताप पर विलायक में घुल सकती है। मान के चलो जितना विलेय विलायक में घुलना है उतना विलेय विलायक में घुल जाए, मतलब संतप्त। मतलब आप डेली जो रोटी खाते हो वो संतप्त विलयन होता है। ठीक है, आप जो खाना खाते हो वो उसमें क्या रहते हैं, आप संतप्त रहते हो डेली के खाना में। ठीक है, अब होता है अति संतप्त। अति संतप्त मतलब जैसे आप खाना खा लेते हो, खाना खाने के बाद अगर कोई आपको ऑफर करे गुलाब जामुन तो आप कहते हो भाई चलेगा यार एक। ठीक है, तो इसमें क्या है, अति संतप्त विलयन। अति संतप्त विलयन में क्या होता है कि वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर उस विलयन की संतप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक विलेय की उपस्थिति हो, अति संतप्त विलयन कहलाता है। यह अस्थायी तंत्र है। देखिए इसमें जो बोल रहे हैं कि भैया जो विलेय की मात्रा विलायक में जितनी घुलनी है, मान के चलो 5 ग्राम विलेय की मात्रा घुलनी है 100 ग्राम विलायक में, तो जो कितना घुल दे रहा है, 6 ग्राम। मतलब जितना घुलना है विलेय उससे ज्यादा घुल दे रहा है। ठीक है, तो वो विलयन कौन सा होगा, अति संतप्त विलयन होगा। क्लियर होगा, आशा करते हैं दोस्तों कि आपको आज की वीडियो में जितना हमने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप सिंपली कमेंट करके बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट जरूर सॉल्व किए जाएंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक करना। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक करना, फॉलो कर देना, और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।